Happy birthday to you. Happy कार्ड बना, उसका नाम है ऊर्जा किंग ड्रीम प्रोडक्शन, जो कि अभी किसी वजह से मैंने काम सारा रोका हुआ है। बीच में मेरे हेल्थ इश्यूज ठीक नहीं थे और आप सबके बीच मैं एक दूसरी लाइफ लेके आई हूँ। लॉकडाउन के बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई थी और मतलब जैसे बोलते हैं ना कि 80% बॉडी मेरी डेड थी, नो मोमेंट। अगर डॉक्टर ने सही टाइम से मेरा ऑपरेशन नहीं किया होता तो शायद आज मैं आप सबके बीच नहीं होती। और एक होता है ना कि मेरा सबसे बड़ा ड्रीम यही है कि मुझे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बिजनेस वूमन बनना है, हर काम करना है। हाँ, एक्टिंग मेरा पैशन है, एक्टिंग मिले तो एक्टिंग। और बीच में जब मेरा पास अच्छा खासा बजट होगा तो मैं अपना कुछ का काम स्टार्ट करूँगी प्रोडक्शन में। और अभी मेरा प्रेजेंट जो है मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है ऊर्जा किंग स्टार टूर्स .in, ये मेरा वेबसाइट है और ये ऑल इंडिया में रहेगा। और वैसे मैं अभी वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ और विद इन 2 या 3 मंथ में मेरा ऑफिस जो है जयपुर में बने खुलने वाला है, जयपुर वैशाली नगर। और वहाँ पे जो है जैसे कि मैं टूर एंड ट्रैवल में नंबर 1 टूर ऑपरेट करना, नंबर 2 फ्लाइट की टिकट बुक करना, नंबर 3 बस टिकट बुक करना और होटल पैकेज एंड इवेंट ऑर्गेनाइज आल्सो, इसमें सब काम किया जाएगा। इंडिया का कोई भी कोना होगा, किसी भी कोने से कॉल्स कर सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं ऊर्जा किंग स्टार टूर्स। मैंने 2014 में बॉम्बे में आई थी, उससे पहले मैंने मंडी डिस्ट्रिक्ट मंडी में अपने डिस्ट्रिक्ट में मैंने एडवर्टाइजमेंट में काम किया है। और उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ आ गई, चंडीगढ़ में मैंने गाना किया है पुल्ला लवाना जी के साथ। फिर धीरे धीरे मैंने ऑडिशन स्टार्ट करी, पहले तो मुझे लगा कि फैमिली वाले साथ गुस्सा ना करें, जब उनको लगा कि हाँ थोड़ा हैप्पी हुए तो उसके बाद चलो बॉम्बे। फिर मैंने बॉम्बे में कंटिन्यूटी मैंने 1 साल स्ट्रगल किया, उसके बाद फिर मुझे थोड़ा काम मिला, मैंने किया। और बट एक होता ना कि जब बोलते
है इंडस्ट्री में, या तो पैसा चाहिए या तो किस्मत चाहिए, ठीक है। बीच में फिर जैसे ही सुधार थोड़ा सही बने, काम करने वाली हूँ होती ही वैसे कुछ ना कुछ रीज़न हो जाते थे जिसकी वजह से मुझे बैकआउट करना पड़ता था। और कभी नोटबंदी को लेके, कभी कोरोना को लेके, कभी मेरे हेल्थ इश्यूज़ को लेके। अब मेरा ये है कि जो करना है वो सब करना है, चाहे छोटे से शुरुआत करूँ लेकिन करना है। अभी आप सबके बीच यहाँ आने का मकसद यही है, क्योंकि ऐसे तो मुझे ऑल इंडिया में ट्रैवल करने में मुझे कम से कम 4 से 5 महीने लग जाएंगे हर जगह टाइप करने में, जितने भी चाहे गेस्ट हैं चाहे बिजनेस हैं होटल्स वाले हैं, आप मेरे साथ टाइप कर सकते हैं। आप जो भी डील्स वगैरह होंगे चाहे आप मेरे साथ कर सकते हैं ऊर्जा किंग स्टार टूर्स पे, और जिसको भी बुकिंग करवानी हो मेरे थ्रू करवा सकते हैं। और आपको तो पता है कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन चल रहा है, कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग होती है। ऐसा तो है नहीं कि हर कोई लोग अमीर खानदान में ही पैदा होते हैं। मैं एक बहुत ही सिंपल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली सिर्फ 3 मेंबर हैं, मैं, मेरी मम्मा और मेरा भाई। मेरी मम्मा की वजह से, बोलते ना माँ जन्म देती है, मेरी मम्मा ने मुझे 2 बार जिंदा किया। अगर मेरी मम्मा नहीं होते ना तो शायद मैं कहीं पे किसी कोने में सड़ के मर जाती। और थैंक यू सो मच न्यूरो सर्जन डॉक्टर मिस्टर मुकेश कुमार एंड उनकी पूरी टीम एंड विकास सर, और थैंक यू सो मच किशोर भाई जिन्होंने सजेशन किया कि हिमाचल प्रदेश कांगड़ा टांडा हॉस्पिटल से मेरा ट्रीटमेंट करवाया जाए। और इससे पहले मैं 3 महीने जो है एडमिट रही मैं चंडीगढ़ में, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा चल के गई थी वहाँ पे, और 3 महीने में बिल्कुल जिंदा इलाज बन गई। वहाँ मेरा 7 बार ऑपरेशन कैंसिल हो गया। उसके बाद सजेशन किया मुझे टांडा के लिए किशोर भाई जी ने, तो उनका भी थैंक्स, और सबसे बड़ा थैंक यू मेरे ब्रदर एंड मेरी मदर, और गॉड तो सब गॉड मेरी फेवर में था, तभी तो उन्होंने मुझे दूसरी चांस दिया। और बाकी इंडस्ट्री में भी अभी मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम करने वाली हूँ, जिस कारण मैंने टाइटल रखा था ये लव स्टोरी 2014, और जिसके ऊपर बहुत जल्दी काम स्टार्ट किया गया है। और आधा 20% ऑलरेडी मेरा कंप्लीट था, बाकी जो है कंप्लीट करना बाकी है। और उसकी वेबसाइट जो है अभी प्रोसेसिंग पे है, www.urzakingdreamproduction.com ये प्रोसेस पे है। और मेरी हाँ जी बॉलीवुड में आने के लिए मैंने प्रेरणा ली है, सबसे पहले एक होगा ना, जब मैं बचपन में थी छोटी थी तो मुझे गोविंदा सर बड़े अच्छे लगते हैं, मैंने गोविंदा सर की एक्टिंग देखती थी। और मेरे एक बोलते ना बेस्ट एंड बेस्ट अमिताभ बच्चन जी, उनको मैं फॉलो करती हूँ, और श्रद्धा जी उनकी एक्टिंग मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मेरी प्रेरणा है श्रद्धा जी। हाँ जी, जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी तब कंगना जी जो मेरे डिस्ट्रिक्ट से हैं कंगना नॉर्थ, वो जो है लॉन्च हुई, तो उस वक्त मेरे मन में अगर वो हो सकती है तो मैं क्यों ना। पर कंगना दी बहुत अभी अपने नाम कमा चुकी है, पर अभी हम उनके थोड़ा सा बोले तो बहुत ही छोटे हैं, बट एक दिन जरूर अपना नाम भी कमाऊँगी। आप सभी दोस्तों का सपोर्ट रहा, और थैंक यू सो मच ऑल माय टीम, मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ पे आए हैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, मुझे सपोर्ट करने के लिए आए हैं, थैंक यू सो मच ऑल। नेहा जी, राजवीर जी, और कारवा प्रोडक्शन के रमेश जी एंड आल्सो कमल एंड रजनीश एंड इनका सबका थैंक यू, थैंक यू सो मच मिस्टर थापर।